बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये मशरूम ठुना पिज़्ज़ा बनाया है, बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा बना है। चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 250 ml लो वार्म पानी ले लिया है, ज़्यादा गर्म नहीं है। इसके अंदर मैं 15 ग्राम ये फ्रेश ईस्ट है मेरे पास, ये शामिल कर देती हूँ। इसके अलावा ये 40 ml खाने का ऑयल है, ये मैं डाल देती हूँ। 1 teaspoon नमक, 1 teaspoon चीनी। चीनी से जो ईस्ट के साथ मिलके पिज़्ज़ा फूलता है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इसके अलावा 1 teaspoon इसमें मैं काली मिर्च का शामिल करूँगी और इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैं इसे अच्छा मिक्स कर लेती हूँ। ये मेरे पास 500 ग्राम मैदा है और ये डाल के मैं इस पिज़्ज़े की डो तैयार कर लेती हूँ। इसे मैं गूँद लूँगी, आप हाथ से भी इसे गूंद सकते हैं। पिज़्ज़े की डो हमने हार्ड नहीं बनानी, थोड़ी नरम रखनी है, इसलिए थोड़ा सा पानी मैं इसमें और शामिल करती हूँ। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे आधे घंटे के लिए रख दूँगी। डो के ऊपर ऑयल लगाने से ये होता है कि जब हम इसे रेस्ट के लिए रखते हैं तो ये ऊपर से खुश्क नहीं होती। हम इसे आधे घंटे के लिए रख देते हैं। ये देखें डो हमारी कितनी अच्छी फूल चुकी है। इसमें से मैं एक पिज़्ज़े के लिए डो निकाल लेती हूँ। इससे आपके तकरीबन 3 छोटे पिज़्ज़े वो बआसानी बन जाएंगे इतनी डो में, या आप चाहें तो एक बड़ा फैमिली पिज़्ज़ा भी इतनी डो में बना सकते हैं। इसे मैं पिज़्ज़ा ट्रे में निकालती हूँ। ये मेरी होममेड स्पाइसी सॉस है जो कि मैंने तैयार की है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ। आप इस सॉस के साथ पिज़्ज़ा तैयार कीजिएगा, आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी सॉस बननी है। सॉस लगाने के बाद मैं इसके ऊपर, ये मेरे पास मसरीला चीज़ है जो कि मैंने 200 ग्राम ली है, ये मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। जब आप पिज़्ज़ा बनाएं तो ये जो चीज़ है ये पहले आप नीचे डाल लीजिए। इसके ऊपर मैं ये ठुना फिश वो डाल देती हूँ और बाद में ये मैंने मशरूम लिए हैं, ये मैंने कैन वाले मशरूम लिए हैं। आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं, लेकिन कैन वालों का टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ और साथ ही ये मुजरीला फ्रेश चीज़ है, ये भी मैं डाल दूँगी। और इसे मैं 20 मिनट के लिए 200 डिग्री पे बेक कर लूँगी। ये मेरे पास थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स हैं, ये भी मैं डाल देती हूँ। आप एक दफ़ा ये पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।